नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का इनाम, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। सरपंच हो तो ऐसा, राजनीति में सेवा भाव से कार्य करने का यदि दृढ़ संकल्प हो तो मुश्किलें भी उनका रास्ता नहीं रोकती। ऐसा ही वाक्य सामने आया है जहाँ पर ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि ने अपनी ग्राम पंचायत को ही परिवार मान लिया और विकास कार्यों में इस कदर जुटे कि पूरी पंचायत सरपंच को अपना लाडला बेटा कहती है। अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। ये पूरा माजरा बहरोड विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दोसोद का है, जहां सरपंच ज्योति नवरतन ने पूरी ग्राम पंचायत में कई करोड़ों के विकास कार्यों के साथ साथ जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए उनका समाधान किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकास कार्यों में ही सरपंच ने अपनी भागीदारी निभाई है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा, पानी बचाओ, युवाओं के लिए खेल मैदान व दौड़ने के लिए ट्रैक जैसी सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी अपनी भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटते। ग्राम पंचायत में स्वच्छता का जिक्र करें तो ऐसा लगता है कि मानो शहर भी शर्मा जाए। इस दौरान आप तक नेटवर्क की टीम ग्राम पंचायत पहुंची और लोगों से मिली जानकारी और सरपंच की जुबानी निश्चित ही अन्य जनप्रतिनिधियों और लोगों के लिए प्रेरणा साबित हुई। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी में घूम चुके हैं। अच्छा जी, जो विकास कार्यों की बात है, नवरतन जी ने हमें बताई कि ये विकास कार्य करवाए गए, कितना संतुष्ट हैं आप? खुद मेंबर हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरह के विकास कार्य करवाए? हम अच्छी तरह, सब तरह संतुष्ट हैं सर, किसी तरह की कोई नहीं। अच्छा विकास तो हो रहा है गांव में, सब तरह का, किसी तरह की कोई वो है ही नहीं, कोई इनके खिलाफ। जनप्रतिनिधि आपके आसपास और भी होंगे और ग्राम पंचायतों की, उनकी तुलना में आप आगे हैं या पीछे? नहीं, हम आगे हैं, सबसे सबसे आगे हैं साहब हम। अभी किस तक तरह के मोटे मोटे विकास कार्य? जैसे अभी आपके सामने ये रहा तालाब वाला, ऐसे गांव में कोई ऐसी कोई गली नहीं है जो कच्ची रह रही हो, सब में ईंट खुरा, सब तरह का काम चल रहा है, हवाई टंकी बन रही है। सरपंच खुद युवा है तो लोगों का कितना सहयोग मिल पाता है उनको काम? पूरा पूरा सहयोग है, हर तरह का, सभी पंचों का सहयोग है, सब तरह का, किसी कोई वो नहीं है। से को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास गांव में? बढ़िया विकास हो रहा है, सरपंच अच्छे काम करवा रहे हैं। जैसे मान लो आप पीछे तालाब है, सड़कें बताई थी पंच साहब ने, जल जीवन वाली वो चल रही है, हर घर में लगभग करके शौचालय की जो सुविधा हो रही है, लगभग करके कुछ परसेंट बचा है, बाकी लगभग करके इन्होंने काम करवा दिया। तो संतुष्ट लग रहे हो आप, जैसे गाँव में भी बैठते हो यार दोस्तों में भी, तो लोगों में क्या कुछ चर्चा रहती है विकास? चर्चा तो विकास की तो होती है साहब, हर जगह चर्चा। संतुष्ट हैं या फिर संतुष्ट? अब देखो 100% तो कभी कोई भी, चाहे कोई सरपंच आ जाओ या कोई जनप्रतिनिधि, 100% तो कोई होता नहीं है, कई किसी की कुछ टसक रह जाती, किसी कुछ। ज्यादातर लोगों की बात, ज्यादातर अमूमन लोगों का विकास का काम, सब कहते हैं भाई बढ़िया काम कर रहे हैं जी। युवाओं को लेकर किस तरह के कदम उठाए? युवाओं के लिए बहुत बढ़िया कदम उठाएगा, हमारे वो बंजट बोलते हैं उसमें जाके देखो आप, हमारे यहाँ इस ग्राउंड में जाके देखो, वो ट्रैक बनवा दिया, पौधे लगवा रहे हैं, बाकायदा उसके पूरी बाउंड्री करा दी है, बच्चों को दौड़ने के लिए मतलब फिजिकल के लिए बहुत बहुत कुछ दे रहे हैं। एक लड़का भी आने वाली है, और सुनने में आया है कि हमारे यहाँ CHC आपको पता ही नहीं, अभी सुनने में आया तो होगी। नहीं, मैं कुएं पर रहता हूँ जी, जैसे मैं गांव में आया ना तो मुझे पता लगा। तो विकास कार्य सब बढ़िया और हमारे गांव में तो किधर देख रहे हो बढ़िया और हमारे गांव में सरपंच साहब बढ़िया काम करवा रहा है। संतुष्ट हो आप सरपंच से? सरपंच संतुष्ट है, हम बढ़िया काम करवा रहे, विकास पेड़ पौधे बढ़िया लगवाए हैं, पानी के लिए बढ़िया काम कर रखा है। क्या क्या बढ़िया लग रहा है आपको ग्राम पंचायत में? हमको सब कुछ अच्छा लग रहा है, तालाब पूरे गांव में लाइट, गली गली में लाइट लगवा दी, गली गली में ईंट बिछवा दी, टाइल वगैरह, और पानी की टंकी वगैरह जो सब जगह पीने के लिए हर जगह पानी की व्यवस्था अच्छी कर रही सर। बच्ची हॉस्पिटल थी वो अब दे दी, हॉस्पिटल की वही हॉस्पिटल थी वो अब मिल गई। हाँ जी, आपको तो ऐसा लगता होगा इतनी सुविधाएं गिना रहे हो, आपके शहर में रह रहे हो जैसे, इतनी सुविधा तो मेरे समझिए आस पास के जो नज़दीक गांव है ना उनमें भी नहीं होगा, जो हमारा गांव में सुविधा है, बढ़िया सुविधा है। और ग्राम पंचायतों से आप कहीं आगे हो? हाँ, और ग्राम पंचायत से हम कहीं आगे हैं, और बढ़िया सुविधा कर रखी है हमारे सरपंच साहब। जब कोई सेवा भाव से राजनीति में आता है तो मुश्किलें भी उनका रास्ता नहीं रोकती। एक ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत दोसोद में आया है, जहाँ पर सरपंच ज्योति नवरतन यादव से हमने मुलाकात की, पूरे ग्राम पंचायत का दौरा किया
विकास कार्यों की बात करें तो उन्होंने क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य करवाए हैं, साथ ही जागरूकता का एक बड़ा संदेश वो लेकर चले हैं। उनसे करते हैं खास बातचीत, किस तरह के विकास कार्य रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दो योजना से सरपंच हैं, पूर्व सरपंच नवरतन यादव रहे, फिलहाल योजना में उनकी धर्मपत्नी ज्योति जो सरपंच है, लगातार जनसेवा में समर्पित हैं। क्या कुछ कहना है, क्या मोटिव उनका राजनीति में, आइए जानते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है, आप सभी को नमस्कार। क्या कुछ उद्देश्य रहा राजनीति में, क्योंकि आप खुद युवा हो, राजनीति में आप सेवा भाव के मकसद से आए हो, क्या कुछ प्रयास रहेंगे? मैंने जैसे एजुकेशन किया है, मैं बीएड हूँ मैं जी। उसके बाद से जैसे गाँव में जो भी सरपंच बनते थे बड़ी उम्र के बनते थे तो उनका थोड़ा ये रहता था कि बुजुर्ग आने जाने में थोड़ा सा वो रहते भाग दौड़ करने में, तो मैंने उनसे मोटिवेट होके मैंने जो हमारे पूर्व सरपंच रहे उनको देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं सरपंच बन के और कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उनका मार्गदर्शन में ही मैंने काम किया है। जैसे जो भी पूर्व सरपंच रहे उनसे सलाह लेता था, और मैंने पिछले 5 साल रहते हुए 2010 से और 15 में सरपंच स्वयं रहा, और अब मेरी धर्मपत्नी सरपंच हैं। हम वो जो प्लान किया था उन कामों को अपने यहाँ अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करें, उस तरह से कार्य कर रहे हैं। जब जनता ने पंचायत मुखिया बनाया आपको शुरुआत में, किन कार्यों से आपने शुरुआत की और आपको क्या लगा कि ग्राम पंचायत में ये जो जरूरी कार्य हैं ये होने चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके? देखिए, सबसे मूलभूत तो सुविधाएं होते बिजली पानी सड़क और इनको देख के हो किया, और हमारे गाँव में हर घर पर नल पहले से भी सेक्टर 4 में स्टार्ट हुआ, मान्य डॉक्टर जसवंत जी ने करवाया, अब भी जो और टैंक बनने जा रहा है, हवाई टंकी स्टार्ट है, यहाँ लाइनें दबने लग रही हैं, ये काम भी बीजेपी सरकार में मान्य भूपेंद्र जी और डॉक्टर जसवंत जी के सहयोग से हुआ है, और यहाँ अभी ई लाइब्रेरी का भी निर्माण कार्य हम करने जा रहे हैं जो भूपेंद्र जी ने दिया, और आदरणीय आज कल ही बजट सत्र जो था उसमें डॉक्टर जसवंत जी यादव ने हमारे गाँव के लिए PHC दी, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे गाँव के लिए पूरे ज़िले में कोटपुतली बैरोड में एक ही PHC सेंक्शन हुई, वो भी ग्राम पंचायत दोसौद में, तो इसके लिए भी हम वो कार्य रहते हैं। दूसरा, हमने पूरे गांव में पूरे गांव को साफ़ सुथरा बनाया है, हमारा गांव ODF गांव है, यहाँ हर घर पे शौचालय है, सब लोग साफ़ सुथरा गांव रखते हैं, साथ ही गांव के जितने भी चारों मोहल्ले हैं उसमें जितने भी ग्राउंड थे उनको मैंने अभी ट्रैक टाइप में डेवलप किया है, फेंसिंग की है, सुंदर किया है, वहाँ बच्चे रेस करते हैं, बैठते हैं, बुजुर्ग भी बैठते हैं, तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण किया है, पूरे गांव में लाइटें लगाई है हमने। आप गांव में जब विजिट करेंगे आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी भवन हैं उनको हम एक अच्छा लुक देने लग रहे हैं, जितने चौपाल है उनको भी, औषधालय है या उप स्वास्थ्य केंद्र जो था उसको, सबको चेंज कर रहे हैं। स्कूल भी आप देखोगे तो वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, साथ ही हम भामाशाहों के सहयोग से भी और NGO के सहयोग से भी हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्ज के 32 बोर बने हुए हैं जो प्रत्येक घंटे जब बारिश होती है 9,000 लीटर प्रति एक बोर पानी ऑब्जर्व करता है, तो हम जल संरक्षण पे भी काम करते हैं। हमने पूरे गांव ग्राम पंचायत में मैजिक पिट बनाए हैं, जो ग्रे वाटर है वेस्टेज बहता था रोडों पे वो रिचार्ज हो रहा है। मैं एक खुशी की बात ये है कि आज हमारी ग्राम पंचायत साफ़ सुथरी ग्राम पंचायत है, कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं है। गाँव से जब हम आ रहे थे तो पेंटिंगों का काफ़ी दबदबा लगा, जगह जगह पेंटिंग सुंदर तरीके से, चाहे वो बिजली के पोल्स हों या दीवारें हों, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? तिरंगा बनाया हमने, जिसे एक राष्ट्र का प्रतीक है अपना तिरंगा, तो तिरंगा उसमें 3 कलर किए हैं, उससे देख के लगे कि भाई गांव साफ़ सुथरा है, लोगों में अंदर से खुद की भावना पैदा होगी भाई जब ग्राम पंचायत ऐसा सहयोग कर रही है तो हम भी खुद भी उनको सपोर्ट करें, एक तो इस तरह से उनको मैसेज देने का था। दूसरा, पेंटिंग की है, हमारे राजस्थान कल्चर को भी दर्शाया है, कुछ महान विभूति हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनको भी हमने वो किया है कि उनसे भी नई पीढ़ी और ग्रामवासी प्रेरित हों कि उन्होंने जब अपनी आहुति देश के लिए दे दी तो हम भी अपना गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं जब आपसे वार्ता करता हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं, उनको सफल बनाने के लिए किस तरह के प्रयास जारी हैं? जैसे अभी मैं बताया लाइब्रेरी के लिए हमने प्रयास है कि भूपेंद्र जी मांग की थी कि आप हमें ई लाइब्रेरी दें, मोहित जी ने हमारी मदद की उस टाइम और हमारी ई लाइब्रेरी हुई। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ तो अब भाजपा सरकार है सेंटर में तो हमें सपोर्ट, सरकार भी आपकी आ गई अब तो ये खुशी की बात है। दूसरा, गाँव वालों का बड़ा सहयोग रहा है मेरे को, मैं पिछले जब एजुकेशन करके ही हटा था मेरे को इतना अनुभव भी नहीं था, तब मेरे को सरपंच बनाया गाँव ने, ये सोच के बनाया कि भाई युवा यार अच्छा काम करेगा, मैं उनकी शायद कसौटी पे खरा उतरा इसलिए शायद दोबारा मेरी धर्मपत्नी को सरपंच बनाया। तो सरपंच आप बन गए, लेकिन क्या उन मुसीबतों का सामना करना आपको पड़ा जिनसे आप गुजर के आए हैं,
तो आप कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि ये समस्याएं युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं, समाज को एक सभ्य समाज बनाने से रोकती हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, जैसे अभी यहाँ हमारे गांव में अमूमन आप देखते हो बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, सभी की एक सोच होगी खेल के प्रति कम रुचि होगी, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम छोटे छोटे कार्यक्रम भी करते हैं जिससे कोई प्रतिभाशाली बच्चा जो कोई आगे आता है तो उसको बुला के उसका स्वागत किया जाता है, डीजे गाजे बाजे से उसका स्वागत करें जिससे कि वो आगे मोटिवेट हों। जितने भी स्कूल हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हैं तो हमारे गांव के बच्चे, उनको भी हम हमारे जितना भी सहयोग बनता है उनको हम मोटिवेट भी करते हैं और उनको उत्साहवर्धन भी करते हैं। जब भी कोई अच्छे अंक लेके आता है उसका स्कूल में जाके सम्मान करते हैं, गांव के स्तर पे सम्मान। बुजुर्गों को लेकर भी कुछ पहल की गई है आपकी तरफ से कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, उनके संस्कारों पे चला जाए? हाँ, हम करते हैं, जैसे हमारे मेले वगैरह लगते हैं उस पे जो भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो गांव के लिए कुछ अच्छा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो हम उनको प्रशस्ति पत्र या कुछ मोमेंटो भेंट करके उनको भी सम्मान करते हैं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे यहाँ जो कम उम्र का होने के नाते सब मेरे को बड़े प्यार से और सहयोग करते हैं, माताएं बहनें भी सहयोग करती हैं, बुजुर्ग भी सहयोग करते हैं, बुला के बैठाते हैं इधर ये काम ऐसे करना है, तो मैं 10 की सलाह लेता हूं और फिर माइंड को उसको करके फिर काम करता हूं, पूरे अक्से काम बताते अक्से हैं। काम और वो अपने अनुभव भी साझा करते हैं कि हमने जीवन में ये देखा है। फिर मैं क्या है स्वच्छ भारत मिशन में एक स्टेट रिसोर्स पर्सन भी रहा हूं, मेरे को पूरे राजस्थान में हर जिले में जाने का वो मिला समय, मैं ट्रेनर भी रहा हूं, तो वो मैंने जो चीज़ें दूसरी ग्राम पंचायतों में देखी वो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने ग्राम पंचायत में अच्छा करूं। अब मैं अगले 2-3 दिन में यहां करीब 1,000 से 5,000 पेड़ लगाने का हमने किया है, जो देख रहे हैं पेड़ भी रखे हुए हैं आपके, ये पेड़ रखे हैं अभी 100 बड़े और पीपल के पेड़ मेन गांव के जो रास्ते हैं उन पे ट्री गार्ड के माध्यम से लगा के कुछ भामाशाहों के सहयोग से, कुछ अपना सहयोग कुछ ग्राम पंचायत से, एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ समय में, आपको ये लगेगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों को और अच्छा संदेश देगी। बजट की बात करें, आप पिछली से पिछली योजना में सरपंच आप खुद थे, आपकी बार धर्मपत्नी है आपकी, दोनों योजनाओं को मिलाकर लगभग कितना विकास कार्य ग्राम पंचायत में करवा चुके? पिछली योजनाओं में तो मेरे को अभी उसका अंदाज़ा कम है, लगभग उस टाइम भी 3 करोड़ से ऊपर का काम रहा होगा, जो अब जो काम चल रहे हैं मेरे को अंदाजन, अब मैं अगर उसकी अपने वो करूं गोसवारा या जो जैसे और हवाई टंकी बन रही है, 2.25 करोड़ का ग्राम 200 के लिए काम बजट है, 10 लाख रुपये का ये लाइब्रेरी का है, सड़कें बनाई हैं लगभग 70 लाख से इस साल का गोसवारा है, पिछले जो 2-3 साल रहे इसी तरह से क्रमबद्ध रहा, तो लगभग 4-5 करोड़ का मैंने अभी तक काम किया है जिसमें सभी तरह की स्कीम आ गई। क्या अपील करना चाहोगे अपने युवा साथियों से, अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक दूसरे से सीखने से ही कदम बढ़ते हैं, जनता का भला होगा, क्या अपील करना चाहोगे? अपील यही है कि भाई सब ग्रामवासी और जो गाँव के और लोग हैं जो मेरे को सुन पा रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि भाई जो भी गांव का विकास चाहते हैं छोटी मोटी ग्राम पंचायत राजनीतियों को छोड़ के और सब सहयोग करें और अच्छे काम में आप आगे बढ़ के कहें कि भाई ये काम हम सहयोग करेंगे, और हर गांव में अगर युवाओं का एक यूथ ग्रुप बने, बुजुर्ग जो रिटायर्ड टीचर हैं या कोई कर्मचारी हैं वो अपना एक ग्रुप बना के गाँव के लिए कोई छोटा छोटा भी संस्थान सहयोग करते हैं, जैसे वृक्षारोपण का ही काम करें, जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं अगर वो एक दिन का 1 रुपये भी निकाल कर देते हैं तो 365 दिन का एक वो हो सकता है, तो एक पेड़ लगाएंगे तो वो जीवन में पूरी आने वाली जनरेशन को फ़ायदा देगा। तो मेरा सभी से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, और जितने भी गांव के आपके सामने की नालियाँ हैं सड़क है वो सब आपकी हैं, उनको अपने घर की तरह उसको संभालें और उसको साफ सुथरा रखें। एक सवाल मेरा रह गया था, अकेला चना बाड़ नहीं फोड़ सकता, आपके प्रयास सराहनीय है, लेकिन क्या जनता का आपकी पंचायत के युवाओं का बुजुर्गों का उन सब का क्या सहयोग मिल पाता है आपको उसका? हाँ, सबसे ज़्यादा तो हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर हैं वर्तमान और पूर्व जितने भी हैं वो सब लोग बहुत सहयोग करते हैं। दूसरा ग्रामवासी भी, मैंने आज तक जो भी काम किया है उन्होंने कभी मेरे को आके रोक टोक नहीं की है, हर लोग ये कहते हैं कि आप काम कीजिए हम रिजल्ट बाद में निकालेंगे, वो मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर तेरी गलत रहेगा तो तेरे को डांटेंगे धमकाएंगे और आप अच्छा करते हो तो आपकी प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए आज मेरी एज अभी लगभग 40 साल हुई है, मैं दोबारा मौका मिला है सरपंच इस पद को सुशोभित करने का, तो मैं तो खुश नसीब हूँ कि इस गांव ने मेरे को इतनी बड़ी इज्जत दी, तो मैं तो ये है कि मैं जब तक मेरे से मेहनत होगी मैं और भी अच्छा अपने गाँव और पंचायत का नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ नवरतन यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरी पंचायत ही मेरा सब कुछ है, उनके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको आदर्श बनाने के लिए मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूँ।
आप जुड़ रही है आप तक नेटवर्क के साथ।